तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th टर्म 2 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सिर्फ आप बताते हो कि व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जिसका हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर में, इंडक्शन में, ओवन में, फ्यूज़ में, एमसीबी में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ किया जाता है। लेकिन आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें हम कंसिडर करेंगे कि जो हीटिंग इफेक्ट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुई तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड इनटू टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे एच आपका हीट है, आई आपके पास करंट है, वो करंट का स्क्वेयर है यानी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर से रेजिस्टेंस और टी यहाँ पे क्या है टाइम, कि कितने टाइम तक उसको करंट पास किया जा रहा है उस कंडक्टर में से, इस चीज़ से डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इनटू आर इनटू टी, तो ये क्या हो गया, आर से आर कैंसिल, तो क्या हो गया एक हमारे पास फॉर्मूला, वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। इसके अलावा और क्या फॉर्मूला सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये भी फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है। जो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है इसको हमने फर्दर एक्सपेंड कर दिया अलग अलग टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन टू आवर्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे चार्ज गिवन है 96,000 कूलम्ब चार्ज है, दो घंटे के लिए उसको पास किया जा रहा है अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, क्यू गिवन है और टाइम गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस जो बी है ये कितना गिवन है 40 वोल्ट। अब देखो यहाँ हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें हीट निकालनी है एच, ये वाला पुट कर सकते हैं वी आई टी। देखो वी आई टी, अब देखो अब हमारे पास करंट तो है ही नहीं और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम इनटू टाइम, देखो टाइम से टाइम कट गया, तो सिर्फ आप पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो यानी 40 को आप 96,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर क्या जाएगा 3,84,000 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल, या आप क्या लिख सकते हैं 3,840 किलो जूल, ये आपके पास रिक्वायर्ड हीट एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम तो कोई यूज ही नहीं था, टाइम तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम इस फॉर्मूले में यूज़ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट लिस्ट एनी टू यूसेस, ड्रॉ द लेबल डायग्राम एंड शो हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। देखो किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर को जब हम वायर से रैप करते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो वो मटेरियल है सॉफ्ट आयरन कोर है वो इट विल बिहेव लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका डायग्राम अगर बनाएं तो कह सकते हैं, मान लो आपके पास ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसको हमने रैप कर दिया और इसको अब हम स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर लगाना चाहे एमीटर लगा दो, ठीक है, सोर्स ऑफ और पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी लगाना होगा आपको, ठीक है। अब देखो जैसे ही करंट पास करेगा स्विच जब ऑन होगा तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाएगा, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें से करंट पास किया जा रहा है, तो इसके राउंड में अगर हम कंपास रखें तो वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देता है, ठीक।
और छोटे छोटे आयरन पाउडर लाएंगे तो वो स्टिक होना शुरू कर जाते हैं इससे। अब इसके दो यूजेस क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है टू मेक अ इलेक्ट्रिकल बेल। स्कूल्स, हॉस्टल्स, कॉलेजेस में जो बेल होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। उसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं जो जंक यार्ड में जो क्रेन्स होती हैं जो कि मेटालिक वेस्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखती हैं, वो भी क्या है, कमर्शियल यूज़ किया जाता है। और उसके पीछे भी कौन से प्रिंसिपल का हिस्सा है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायग्राम हमने बना दिया, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ पैटर्न और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखो, स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जरूर आना होता है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपको स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पूछ लेगा या पूछ लेगा सर्कुलर लूप में। इसके राउंड में आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी होती है कैसी होगी, तो देखते हैं। मान लो कोई पेपर है और इसमें से हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर पास कर दिया और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर में हमने क्या डाल रखा था, रैंडम आयरन पाउडर डाल रखे थे, लेकिन जैसे ही करंट पास करेगा जो आयरन पाउडर है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, वो सर्कुलर वे में मैग्नेटिक फील्ड शो करती है। लेकिन जब आप किसी कंडक्टर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही देखने को मिलेंगे वायर के एंड पे, क्योंकि आप यहाँ पर्टिकुलर क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो जो करंट है वो मूव करेगा, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शो करती है। तो यहाँ से ये अबव आने की कोशिश करेगी और यहाँ बिलो, ऐसे ही यहाँ होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यहाँ से अबव, यहाँ से बिलो। जब हम ये कह रहे हैं यहाँ से अबव, अरे यहाँ से बिलो, यहाँ से अबव, यहाँ से बिलो, तो हम यहाँ से कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इनसाइड द सर्कुलर लूप जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो अंदर, इसके अंदर जो होगी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, ऐसे। और आउटसाइड का सर्कुलर लूप है वो आपको क्या मिलेगी, डाउनवर्ड, ठीक है ना, ऐसे ही जारी होगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि वायर पे क्या है और इनसाइड द सर्कुलर लूप कैसे है, ये बाहर की तरफ। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाई इट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल हैविंग n टर्न्स इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न, गिव रीजंस फॉर दैट। देखो, आप कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड की जब आप बात करते हो वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे ही कॉइल के राउंड में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो उनमें करंट इंक्रीज करता है और करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें जिस वजह से करंट इंक्रीज कर दिया है तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जैसे यहाँ बता रहे हैं कि n टर्न्स हमने इंक्रीज कर दिया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज आइदर ए कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर द करंट कैरिंग स्ट्रेट सॉलिनॉइड। देखो, एक जो स्ट्रेट सॉलिनॉइड होता है, अब देखो कोई भी एक प्लास्टिक पाइप ले लिया आपने या इंसुलेटर की, उसके ऊपर क्या किया आपने, वायर को कॉइल कर दिया, ठीक है। अब उसको क्या किया, बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये एम्पिटी है, पाइप अंदर से एम्पिटी है, या मान लो अगर पाइप को आप कंसिडर भी नहीं करते तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा, सॉलिनॉइड। अब एक सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड ऑलवेज एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मान लो यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या करेगा, अगर मैं इस हिस्से से देखूंगा तो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, और क्लॉकवाइज जब ये करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये पोल हो जाएगा साउथ पोल,
जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जिस वजह से क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल। जैसे बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं वैसे ही इसके भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस का देखना होता है कि बार मैग्नेट में एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परमानेंट है, लेकिन सोलेनोइड में आप बैटरी की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करके इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते। क्वेश्चन में ये पूछना चाहता था कि सोलेनोइड के एंड पे आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि सारे एक पॉइंट पे मिलते हैं। आपको पता है कि नॉर्थ पोल पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो बाहर की तरफ निकलती है, यानी वो इमर्ज होती है, और साउथ पोल पे वो क्या करती है, वो सारी मर्ज करती है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि साउथ पोल क्या करेगा, वो कन्वर्जेंस की तरह एक्ट करता है, सारी मैग्नेटिक लाइन्स है वो कन्वर्ज होती हैं, और यहाँ से क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। नेक्स्ट पार्ट है द करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो भी सोलेनोइड है उसको हमने सस्पेंड कर दिया, तो हमने बोला ना कि बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, और बार मैग्नेट को अगर सस्पेंड कर देते हैं तो वो कौन से डायरेक्शन शो करता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो सोलेनोइड भी क्या शो करेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्नड आउट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड बाय अनदर फ्यूज एज आइडेंटिकल रेटिंग। देखो क्या होता है, कोई भी फ्यूज अगर खराब हो जाता है तो अगर हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो सेम रेटिंग की के फ्यूज के साथ ही हमें उसको रिप्लेस करना होगा। अगर हम उसकी डिफाइंड रेटिंग से अलग कर देंगे तो जो उसका पर्टिकुलर फंक्शन है कि वो मेल्ट होना चाहिए वो नहीं होगा, तो वो अगर वो मेल्ट ही नहीं होगा तो सारा का सारा करंट अपने अप्लायंसेस में चला जाएगा, उनको ख़राब कर सकता है। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं अगर फ्यूज़ ख़राब हो गया तो सेम रेटिंग के साथ ही उसको रिप्लेस करना चाहिए, हमें खुद से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर इज ए कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सर्किट गिवन है 2 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 10 ohm के, ठीक है। तो देखो मान लो अपने पास ये है, यहाँ पे लगा हुआ है 2 ohm, यहाँ पे लगा हुआ है 4 ohm, इसके बाद यहाँ पैरेलल 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं 10 ओम के, और ये भी 10 ओम का, और ये एम है, ये एन है। एम एन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। देखो ये सीरीज भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, मिक्स्ड है, क्योंकि ये सीरीज और पैरेलल का कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल को सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल में ये है तो क्या हो जाएगा, 1 upon 10 + 1 upon 10 = 1/R पी, ठीक है। तो इसका एलसीएम लो 10, तो ये क्या जाएगा 1 + 1 = RP, तो 1 upon RP क्या हो जाएगा 2 upon 10, तो यहाँ से क्या आएगा, RP अपने पास आ गया है 5, तो हम इसको एक नया डायग्राम बना सकते हैं और इसको कर देंगे कि ये हो गया 5 ohm। अब 5 ohm, 4 ohm and 2 ohm अब ये क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो 5 + 4 + 2 आपके पास 11 ohm क्या जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।